चौकी डोनाहेड़ा पर पुलिस कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पूरा प्रकरण क्या है सर? ये थाना खेकड़ा की चौकी डोनाहेड़ा है। कोरोना वायरस को देखते हुए जो लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया गया है, जगह जगह हम लोगों ने नाके स्थापित कर रखे हैं। हमारे ज़िले में करीब 11 नाके चल रहे हैं आज की डेट में, उसमें से एक डोनाहेड़ा का भी नाका है। ये संज्ञान में आया था कहीं से कि वहाँ के पे जो नियुक्त पुलिसकर्मी है चौकी पे, रात्रि को, देर रात्रि को वो दो पहिया और चार पहिया वाहनों को रोक कर उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। इस सूचना को गंभीरता से लिया गया और शासन की मंशा के अनुरूप और करप्शन के प्रति जो जीरो टॉलरेंस है उसको दृष्टिगत रखते हुए जब मेरे द्वारा स्वयं इसकी जांच करवाई गई गोपनीय तरीके से, तो ये घटना सही पाई गई। इसमें दो सिपाही हेमंत और बबलू निश्चित रूप से ये वहाँ पर वसूली कर रहे थे। बाकी जो वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल नियुक्त है थाना चौकी प्रभारी और इसके अलावा एक और दरोगा, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से जो दोनों सिपाही उनको सस्पेंड किया जा रहा है। बाकी जो तीन लोग हैं उनको लाइन हाजिर करके उनकी जांच करवाई जा रही है। जैसे ही उसमें कोई ठोस सबूत मिलता है उनके खिलाफ भी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।